पहला स्टैंजा, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। ऑल ग्लोरीज टू द डियर सन ऑफ जगन्नाथ मिश्रा एंड सची देवी। ऑल द थ्री वर्ल्ड्स ऑफर प्रेयर्स ऑन टू इज लोटस फीट। सेकेंड स्टैंजा, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नागरे दंड कमंडलोकार। इन द नीलाचल ही होल्ड्स द कॉन्च शेल, डिस्क, क्लब एंड लोटस फ्लावर, व्हाइल इन द टाउन ऑफ नोदिया ही होल्ड्स ए सन्यासी स्टाफ एंड वाटर पॉट। तो नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भगवान शंख चक्र गदा पद्म के साथ हैं, और नदिया में नदिया बिहारी भगवान चैतन्य महाप्रभु इज होल्डिंग ए सन्यासी स्टाफ एंड वाटर पॉट। केहो बोले पूरवेते रावण बधिला, गोलकेरो वैभव लीला प्रकाश करीला। इट इज सेड दैट इन द ओल्डन टाइम्स एज लॉर्ड रामचंद्र ही किल्ड द डीमन रावण, एंड लेटर एज लॉर्ड कृष्ण ही रिवील्ड द स्प्लेंडरस ऑपुलेंट पास टाइम्स ऑफ गोलोक। स्टैंजा फोर, श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौरा कोरिला प्रचार। इट इज ही हु हैज कम, ही हैज कम ओ फ्रॉम ब्रजा, ही हैज कम टू नदिया एक्सेप्टिंग द मूड एंड लास्टर ऑफ श्री राधा। ही हैज कम फ्रॉम ब्रजा टू नदिया, ही हैज कम नाउ लॉर्ड गोविंदा द काउहर्ड बॉय हैज कम एज लॉर्ड गौरांगा। ही हैज कम डिस्ट्रीब्यूटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा, सेम लॉर्ड गोविंदा, भगवान गोविंद अभी आया है चैतन्य महाप्रभु का रूप में कलयुग में, कलयुगवासी को हरे कृष्ण महामंत्र का रस पिलाने। वासुदेव घोषे बोले कोरी जोड़ो हाथ, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। वासुदेव घोष सेज विथ फोल्डेड हैंड्स, ही हु इज गौर इज ही हु इज कृष्णा, is he who is Jagannath. Jai Jagannath Bhagwan ki jai. So char yug mein Bhagwan aata hai, satya yug, treta yug, dwapar yug aur कलियुग। चार युग में भगवान विभिन्न प्रकार से लीला करता है और इस धराधाम पे आके सबको अट्रैक्ट करता है। तो सत्ययुग में भगवान आया था नरनारायण ऋषि का रूप में। नरनारायण ऋषि साक्षात नरनारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या करता था, और मुनि ऋषि उनसे बात कर सकता था डायरेक्टली, क्योंकि साक्षात विराजमान था नरनारायण ऋषि सत्ययुग में। तो अभी भी बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ धाम है, तो अभी डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता भगवान से। सत्ययुग में डायरेक्टली बात कर सकता था, तो सत्ययुग में था नरनारायण ऋषि का रूप में। तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम हुआ सत्ययुग धाम। आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड, आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस, इट विल बी बेटर। ओके, तो क्या सत्ययुग का बात है? सत्ययुग का धाम है बद्रीनाथ, बद्री विशाल। उसके बाद आया त्रेता युग।
त्रेता युग में भगवान आया रामनाथ का रूप में, रामचंद्र रामनाथ, और रामेश्वरम में लीला किया था। रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जाकर लीला किया था। तो रामेश्वरम ये त्रेता युग का धाम, हम लोग रामेश्वरम गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है समंदर का बगल में, गोमती नदी, तो नहीं नहीं समंदर का पास में बहुत सारा लीला किया था रामचंद्र भगवान वहाँ पे हनुमान जी के साथ। तो रामेश्वरम में उस मंदिर में 22 कुंड है, 22 कुंड में स्नान किया जाता है, बहुत बहुत मतलब वंडरफुल प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस, एक्सटेटिक फीलिंग। रामनाथ रामेश्वरम, ये सब ये त्रेता युग का बात है। तो उसके बाद आया द्वापर युग, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला किया, द्वारका धाम हुआ ये द्वापर युग का धाम। ओखाने प्रभु गोमती नदी आछे, सॉरी भूल, आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड, ओके, या आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर क्वेरीज यू हैव। सो पता नहीं गोमती नदी वहाँ पे कि नहीं, पता नहीं मेरे को, द्वारका में भी समंदर है, ओके। तो अब आया कलयुग, कलयुग में भगवान जगन्नाथ का रूप में कहाँ पे अवस्थान कर रहा है, जगन्नाथ पुरी धाम में। तो श्री क्षेत्र धाम इसको कहा जाता है, श्री क्षेत्र भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पे विराजमान है। तो ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, इनका दर्शन करना बहुत मतलब बहुत इसका जो लाभ है वो पुराणों में वर्णन किया गया है। तो कोई भी जगन्नाथ का दर्शन करता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो आज को हम लोग भगवान का कैसे आविर्भाव हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में जगन्नाथ भगवान के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो स्कंद पुराण में बोला जा रहा है कि देखिए जगन्नाथ भगवान, उनका आंख देखिए, बड़ा बड़ा आंख, एकदम बिग आईज, राउंड शेप्ड आईज, और कभी भी वो कोई आई लीड नहीं है भगवान जगन्नाथ का आंख में, नो आई लीड्स, आंख कोई मतलब आंख का जो पलक है वो झपकता नहीं है। तो भगवान हर टाइम देख रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि भगवान जगन्नाथ अपना जो करुणा है उसको सबके बीच वितरण कर रहा है उस आँख का माध्यम से। भगवान का आँख से करुणा का जो करुणा का प्रकाश सबके प्रति जा रहा है जगन्नाथपुरी में और पूरा जगत में, पूरा जगत का नाथ है भगवान जगन्नाथ। तो वो करुणा कटाक्ष इसको बोला जाता है। भगवान जगन्नाथ कभी भूलता नहीं है किसी को करुणा देने में। तो जगन्नाथ जी का ये महिमा है, जगन्नाथ भगवान का ये महिमा है। तो जगन्नाथ भगवान पुरी धाम में विराजमान है और ये पुरी मंदिर में, ये पुरी मंदिर में इतना ऑपुलेंस के साथ, मतलब इतना ऐश्वर्य के साथ भगवान जगन्नाथ का पूजा किया जाता है। डेली 56 भोग
भगवान को ऑफर किया जाता है, लाखों लोगों के लिए भगवान का ये प्रसाद वितरण होता है। जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान का सेवा में 10,000 पांडा हर टाइम एंगेज्ड है और पूरा मंदिर में विभिन्न विभिन्न सेवा कर रहा है। जगन्नाथ जी का पांडा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई एक्चुअली बाहरी तरीके से देख कोई सोचेगा अरे एक्सटर्नल दृष्टि से कोई देखेगा अच्छा पान खाता है ये सब करता है लेकिन नहीं, वो जगन्नाथ जी का पांडा शास्त्र में बोलता है जगन्नाथ भगवान का जो नित्य धाम है, नित्य धाम से वो लोग आया है। दे ऑलवेज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ 3 घंटे के लिए बंद रहता है, बाद बाकी सारा दिन खुला रहता है जगन्नाथ मंदिर। और 3 घंटे के लिए जब बंद होता है तब देवता लोग आता है, इंद्र आता है, विभीषण आता है, बहुत सारे देवता लोग, हनुमान जी आता है उस टाइम पे रात में, जिस 3 घंटे के लिए बंद रहता है उस टाइम पे भी दर्शन देता है भगवान जगन्नाथ। ये भी एक कारण है कि उनका कोई आईलिड नहीं है, कभी सोता नहीं है जगन्नाथ भगवान, तो इतना कृपालु है। तो देखिए हम लोग कलयुग में बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत कृपा मिला है, करुणा मिला है, क्योंकि हम लोगों को दो भगवान हैं। कैसे दो भगवान हैं हम लोगों का? भगवान तो एक ही है, एक ही भगवान का दो स्वरूप में, एक है ईटिंग गॉड और एक है डांसिंग गॉड। ईटिंग गॉड कौन है? भगवान जगन्नाथ। और डांसिंग गॉड कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो दोनों ने देखिए कितना सिंपल प्रोसेस दे दिया है हम लोगों के लिए। सत्ययुग में हिमालय में जाके तपस्या करो, कितना कठिन प्रोसेस था। विश्वामित्र मुनि कितना तपस्या किया, कितना बाधा आया, फिर भी आगे बढ़ा। हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि का कहानी में कितना कठोर था भगवान को पाना। कलयुग में बहुत सिंपल कर दिया, चैंटिंग करो और प्रसाद पाओ, बहुत सिंपल ये प्रोसेस है कलयुग में। तो जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी का बहुत प्रभाव है, तो इसलिए श्री क्षेत्र बोला जाता है। लक्ष्मी देवी बहुत ही पावरफुल सब मानता है, जैसे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी, सबको श्रीमती राधा रानी का भक्त है वृंदावन में। इसलिए देखिए भगवान का भक्तों का भक्त होना चाहिए, तब जाके भगवान को मिलेगा। डायरेक्टली भगवान का भक्त बनना संभव नहीं है। वन शुड बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णस डिवोटीज, देन वन विल बी एबल टू गो बैक टू कृष्ण। देयरफॉर वी टेक शेल्टर ऑफ गुरु परंपरा, दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु परंपरा। तो लक्ष्मी देवी का बहुत प्राधान्य है इधर पे। तो जगन्नाथपुरी में ये बहुत विशेष जगह है जगन्नाथपुरी। ये सभी धामों में बहुत श्रेष्ठ है ये। तो कैसे हम लोग देखेंगे कैसे जगन्नाथपुरी बहुत बहुत ही श्रेष्ठ जगह धाम है, भगवान का निज स्थल है ये जगन्नाथपुरी। तो भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, और वही द्वारका मैनिफेस्ट हुआ है इस पृथ्वी में, दैट वी फिजिकली सी इन गुजरात। तो द्वारका धाम है ऐश्वर्य धाम, सब भगवान को भगवान का रूप में पूजा करता है, तो ऑ एंड रिवरेंस के साथ एक भगवान का रूप में, भगवान है हम लोग को सेवा करना चाहिए, भगवान मान के सेवा करता है। और वृंदावन धाम अलग है, गोलोक वृंदावन में कोई भी भक्त, वृंदावन गोलोक वृंदावन प्लैनेट में भगवान कृष्ण का कोई भी भक्त कृष्ण को भगवान नहीं मानता है। माँ यशोदा सोचता है मेरा बेटा है,
माँ यशोदा कृष्ण का मुख में देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, पूरा सृष्टि देखा, अपने आप को भी देखा, लेकिन फिर भी माँ यशोदा कृष्ण को अपना बेटा ही मानता है। तो जैसे जो काउहर्ड बॉयस, जो ग्वालबाल लोग हैं, वो कृष्ण को अपना दोस्त मानता है, दूसरा कुछ मानता नहीं। भगवान सबको, सब असुर का वध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फॉर द काउहर्ड बॉयस कृष्ण इज देयर फ्रेंड, कृष्ण उसका दोस्त है। तो ऐसे ये है, ये द्वारका धाम है, ऐश्वर्य धाम, भगवान ऐश्वर्य में है पूरा, एकदम ऑपुलेंस में है पूरा एकदम। और जो वृंदावन धाम है वो है माधुर्य धाम, भगवान को भगवान का रूप में नहीं, इंटीमेट रिलेशनशिप में भक्त लोग उनका सेवा कर रहा है, इंटीमेट रिलेशनशिप में। तो ये है माधुर्य धाम, वृंदावन धाम। और एक धाम है वो है औदार्य धाम, दैट इज नवोद्वीप धाम, नवोद्वीप धाम मायापुर। तो वही नवोद्वीप धाम जो हम लोग देखते हैं वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में श्वेतद्वीप में है अवस्थित नवोद्वीप धाम। वही नवोद्वीप धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना इटर्नल लीला संपादन कर रहा है। तो औदार्य धाम, औदार्य धाम क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो भगवान का कृपा है उसको वितरण करने का मूड है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को वितरण कर रहा है एकदम बिना क्वालिफिकेशन देख के, औदार्य। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरतीश नम, औदार्य धाम। तो ये तीनों धाम, ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम, औदार्य धाम, दैट मीन्स द्वारका धाम, नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम, ये तीनों धाम प्रेजेंट है जगन्नाथपुरी में। कैसे प्रेजेंट है, दैट आई विल टेल। तो देखिए, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, जो मंदिर इतना विशाल मंदिर, भव्य मंदिर, भगवान का पूजा हो रहा है 24 आवर्स जहाँ पे, तो भगवान का मंदिर वो जो जगह है वो है एक्चुअली द्वारका धाम, ऐश्वर्य धाम, ऑपुलेंस में पूजा हो रहा है ऑलवेज, 56 भोग है, पूरा सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज है, सब कुछ एकदम ऐश्वर्य में पूजा हो रहा है। भगवान जगन्नाथ का सोना का वेश होता है, सोचिए, सोना वेश 3 बार होता है पूरा 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 साल में, रथ यात्रा के अगले दिन सोना वेश होता है, पूरा एकदम गोल्ड से एकदम पूरा सजाया जाता है पूरा, कितना किलो, मतलब यू नो क्विंटल्स ऑफ गोल्ड है ना, भगवान को सजाया जाता है पूरा सोना से एकदम, सोना वेश, कितना ऐश्वर्य है देखिए, कितना ऑपुलेंस है। तो ये द्वारका धाम है, वहाँ पे लक्ष्मी देवी भी है, सब सेवा कर रहा है भगवान का, द्वारका है भगवान मान के सेवा कर रहा है, द्वारका है वो। अब भगवान रथ में चढ़ के जहाँ पे जाता है वो गुंडीचा मंदिर। तो ये जो जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसको नीलाचल बोला जाता है, नीलाचल। और भगवान रथ में जब सवार होता है तो रथ में सवार होके गुंडीचा मंदिर जाता है, गुंडीचा मंदिर है सुंदराचल। तो ये गुंडीचा मंदिर, ये वृंदावन है एक्चुअली, ये 7 दिन गुंडीचा मंदिर में भगवान रहता है। तो यहाँ पे पांडा लोग भगवान को गोपी का रूप में सेवा करता है, मतलब वो लोग अपने आप को सोचता है गोपी वृंदावन का, और वैसे सेवा करता है, वो लोग काजल पहनता है। बट वी शुड नॉट इमिटेट द पांडास ऑफ पुरी, दे आर वेरी एग्जॉल्टेड। स्वर्ग से जब पांडा लोग को देखता है ना देवता लोग, वो चतुर्भुज रूप में देखता है, ऑर्डिनरी रूप नहीं है, चतुर्भुज रूप में देखता है, विष्णु पार्षद उस रूप में देखता है। तो वृंदावन का मूड में पूजा किया जाता है भगवान जगन्नाथ को, कहाँ पे, गुंडीचा मंदिर में।
रथ में चढ़ के जहाँ पे भगवान 7 दिन रहता है वहां पे, वह सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। तो इसका कहानी हम लोग बाद में देखेंगे और कैसे भगवान किस मूड में वृंदावन में विराजमान है। तो ये है माधुर्य धाम। और चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में था, जगन्नाथपुरी में बहुत साल बिताया था, बहुत साल, अराउंड 12 ईयर्स, कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स स्पेंड, लास्ट 12 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो। सो 12 ईयर्स ही वाज इन द मूड ऑफ एक्सटेसी। 12 साल गंभीरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु था, अभी गंभीरा में मैक्सिमम टाइम गंभीरा में, फिर टोटा गोपीनाथ मंदिर में, हाँ, तो फिर हरिदास ठाकुर के साथ लीला किया चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में। तो वो जो एरिया है, ये एक्चुअली आप लोग अगर पूरी जाएंगे तब आप लोग समझ में आएगा। तो गंभीरा, टोटा गोपीनाथ, सिद्ध बकुल, ये सब जगह है, ये सब पूरी धाम में। सिद्ध बकुल में वहाँ पे हरिदास ठाकुर रहता था, बंगाल से जितना भी वैष्णव जाता था जगन्नाथपुरी में वहाँ पे जाके मीट करता था, चैतन्य महाप्रभु को मीट करता था। सो ये जो एरिया है ये है नवोद्वीप धाम, औदार्य धाम है ये। तो जगन्नाथपुरी का एरिया वो हो नीलाचल धाम, दैट इज द्वारका धाम, गुंडीचा मंदिर वो एरिया, वहाँ पे नरसिंहदेव टेम्पल भी है एक गुंडीचा मंदिर का पीछे, वो पूरा एरिया हो गया वृंदावन धाम। और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहता था गंभीरा में, गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र का घर में रहता था। तपन मिश्र भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत मतलब क्लोज डिवोटी, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट था तपन मिश्र। उसका पिछले जन्म में कुब्जा, कृष्ण लीला में जो कुब्जा थी वो जन्म लिया चैतन्य लीला में तपन मिश्र का रूप में। तपन मिश्र का घर है गंभीरा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का विरह में हर टाइम रोता था उस गंभीरा वहाँ पे। तो मेरे को सौभाग्य हुआ कई बार वहाँ पे जाने का गंभीरा में। दिस वेरी स्मॉल रूम, चैतन्य महाप्रभु उस रूम पे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय का साथ वहाँ पे रहता था। कृष्ण का विरह में हमेशा रोता था उस रूम पे, वो महाभाव के स्तर में था उस टाइम पे। तो ये है, ये एरिया जो है वो है नवद्वीप धाम। तो तीनों धाम प्रेजेंट है, ऑल द थ्री धाम्स आर प्रेजेंट इन जगन्नाथपुरी। तो अभी देखिए, तो भगवान का कलर, कृष्ण का कलर वो नीलाचल, देखिए नील भगवान का कलर नील। तो ये नील कलर क्यों है भगवान का, ब्लू कलर क्यों है भगवान का? तो देखिए जगन्नाथ, हम लोग देखते हैं समुंदर, कोई भी समुंदर क्या होता है, उसका कलर होता है नील, इट इज ब्लू कलर। ओशन लुक्स इनफाइनाइट, कृष्णा इज इनफाइनाइट क्वालिटीज, सो दैट्स व्हाई कृष्णास कलर इज ऑल्सो ब्लू, जस्ट लाइक ओशन वी सी, समंदर को देखते हैं तो इनफाइनाइट तक एकदम समंदर, वास्ट, वेरी वास्ट, ओके। सो इस तरीके से भगवान का कलर इस तरीके से ब्लू है। तो अब हम लोग एक लीला हम लोग सुनेंगे भगवान का, जगन्नाथ भगवान का। क्लासें अच्छी, फोन कर क्लासे, फोन कर 9:30 ते फोन कर। तो हाँ, तो भगवान तो हम लोग देखे कैसे
कैसे जगन्नाथ पुरी में तीनों धाम है। तो कृष्ण दो रूप में है, कृष्ण दो रूप में जगन्नाथ पुरी में है, एक है जगन्नाथ का रूप में और एक है महाप्रभु का रूप में। तो महाप्रभु है सेवक भगवान और भगवान जगन्नाथ है सेव्य भगवान। तो सेवक भगवान भी है और सेव्य भगवान भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वही कृष्णा 500 साल पहले आया कि क्या सिखाने की, कैसे उनका भक्ति किया जाए। तो कृष्णा दिखाया, चैतन्य महाप्रभु दिखाया कैसे उनका भक्ति कर सकता है कोई। सेवक भगवान भगवान है लेकिन अपने डिवोटी का रूप में आया है। तो ये भगवान भगवान जगन्नाथ का ये विशेषता है कि जो मूल विग्रह है मंदिर का, कोई भी टेम्पल का मूल विग्रह बाहर नहीं निकलता है, वो उत्सव विग्रह वो बाहर निकलता है। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जो रामेश्वर सॉरी ये श्रीरंगम में हम लोग गए थे, श्रीरंगम में बहुत ही फेमस है श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी जैसे फेमस है श्रीरंगम भी फेमस है। तो श्रीरंगम में हम लोग देखा कि एक उत्सव विग्रह है, उसको बोलता है विजय विग्रह, उसको घुमाया जाता है, वो मंदिर का बाहर निकलता है, उसका नाम है नाम पेरुमल। तो उत्सव विग्रह बाहर निकल के घूमता है, सब प्रोसेशन में जाता है, लेकिन मूल विग्रह मंदिर से नहीं निकलता है। लेकिन ये जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ का मूल विग्रह रथ यात्रा के टाइम निकलता है, वही मेन विग्रह है, दूसरा कोई मंदिर में ऐसा नहीं है कि मूल विग्रह निकल रहा है प्रोसेशन में। ओनली द उत्सव विग्रह इज आउट, यू नो, गोइंग आउट इन द प्रोसेशन। तो बोथ ईटिंग गॉड एंड डांसिंग गॉड आर प्रेजेंट इन जगन्नाथपुरी। तो कैसे ये रूप कैसे आया, अद्भुत रूप है भगवान जगन्नाथ का, अद्भुत रूप है। मतलब हाथ पूरा नहीं है, चोक गोल गोल, फिर एक अद्भुत सा रूप दिखता है कि नहीं। तो कैसे ये रूप आया, तो इसका हम लोग लीला श्रवण करेंगे। तो एक बार वृंदावन में जो जब कृष्ण वृंदावन से जब द्वारका आ गया, तब द्वारका में जब कृष्ण था तो उधर पे वृंदावन में जो कृष्ण का जो पार्षद थे, गोपिया लोग थे, वो कृष्ण का विरह में बहुत कष्ट पाता था हर एवरी डे। तो एक नदी हो गया था, नंद महाराज के घर का सामने, यशोदा माँ का घर का सामने एक नदी हो गया था। वो नदी था नंद बाबा का और यशोदा मैया का आंख से जो पानी निकल रहा है उसका नदी। इतना विरह में था जब कृष्ण द्वारका में आ गया वृंदावन छोड़ के, तब कृष्ण भी बहुत विरह में था, हर टाइम सोचता रहता था गोपिया के बारे में, हर टाइम उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा माई के बारे में, ग्वाल बालों के बारे में सोचता रहता था, श्रीमती राधा रानी के बारे में सबसे ज्यादा सोचता था कृष्ण। तो कृष्णा ऐसा ऐसा लीला है द्वारका में, कृष्णा रात में पूरा वृंदावन के बारे में पूरा सोच रहा है। तो अभी सब लोग द्वारका में कितना रानियां था कृष्ण का, कोई बोल सकता है हाउ मेनी क्वींस वर देयर इन द्वारका कृष्णस? एनीबॉडी कैन टेल? हरे कृष्ण। हाँ बोलो। 16,108 एक्चुअली 16,108 वाइफ्स था द्वारका में। तो ये जो 16,108 वाइफ्स है, ये लोग सोचते थे कृष्णा क्यों इतना मतलब सोचता रहता है वृंदावन वासी के बारे में, ब्रजवासी के बारे में, क्या है इतना।
तो एक दिन सब 16,108 रानियां डिसाइड किया कि वो लीला सुनना है। क्या किया था कृष्ण इतना, कृष्ण सब सोच रहा है उस हर टाइम, हम लोग के प्रति ज्यादा अटैच्ड है ब्रजवासी के प्रति, क्या किया था ब्रजवासी लोग, लीला किया है। तो एक ही व्यक्ति था जो जो वृंदावन में भी था और द्वारका में भी आया था, आई थी, वो है रोहिणी माता। रोहिणी माता बलराम जी के माँ है, तो बलराम जी के माँ रोहिणी माता वो वृंदावन में सब लीला देखी थी, एवरी पास्ट टाइम शी सॉ, और वही रोहिणी माता वाज प्रेजेंट इन द्वारका। तो 16,108 रानियां ये रोहिणी माता को पकड़ी कि आप बताइए कि क्या है लीला, ये ब्रज का लीला क्या है, आप थोड़ा हम लोगों को सबको बताइए वृंदावन का क्या है लीला। तो रोहिणी माता बोले ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं रहना चाहिए, कृष्ण सुनेगा तो तुरंत भाग जाएगा, वृंदावन भाग जाएगा, वृंदावन चला जाएगा कृष्ण, वो हम नहीं चाहते एक्चुअली। तो ठीक है बोला 16,108 रानियां बोले कि ठीक है वृंदावन कृष्ण जब दूसरा जगह पे रहेगा तब आप सुना देना। तो कृष्ण सुधर्मा असेंबली में अटेंड करने गया था, सुधर्मा असेंबली हॉल में, तो वहाँ पे मतलब पूरा पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, सब कुछ है, सब राजा कृष्ण बलराम जी वहाँ सुधर्मा असेंबली हॉल में सबसे ज़्यादा दादागिरी चलता है बलराम जी का, बलराम जी और कृष्णा और फिर सब बड़े बड़े जो कृष्ण का जो पार्षद थे सुधर्मा असेंबली हॉल में, वो लोग देवर किंग्स यू नो, सो वहाँ पे डिस्कशन करता था। तो तब बोला कि जब कृष्ण सुधर्मा असेंबली हॉल में चला जाएगा तब आप सुना देना, ठीक है। तो रोहिणी माता मान गई। तो फिर क्या वो फिक्स किया रोहिणी माता कि बोला कि सुभद्रा जो कृष्ण की बहन है वो गेट में रहेगा, गेट पूरा बंद रहेगा एकदम, और गेट कीपर का रूप में सुभद्रा देवी वो पहाड़ मतलब वो गेट कीपर का रूप में काम करेगी, और किसी को कृष्ण बलराम आएगा तो एकदम घुसने नहीं देने का, नो एंट्री फॉर कृष्ण एंड बलराम। इसलिए सुभद्रा महारानी को सुभद्रा माता को गेट में खड़ा किए। तो अभी कथा चल रहा है वृंदावन का, कथा चल रहा है इतना खूबसूरत कथा चल रहा है, लीला में एकदम वृंदावन का जो इंटीमेट पास्ट टाइम्स है भगवान क्या क्या लीला किया था गोपियों के साथ ग्वाल वालों के साथ, गोवर्धन लीला चीरहरण लीला फिर कालिया दमन लीला सब लीला डिफरेंट असुर का वध का लीला सब लीला कथा एकदम पूरा सुना रहा है रोहिणी माता सभी 108 महारानियों को। तो ऐसे जब चल रहा है अभी कृष्ण तो सबका हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो कृष्ण सुधर्मा असेंबली हॉल में पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा था जब भी स्टार्ट हुआ, अभी जब भी स्टार्ट हुआ ये लीला बताना, तो तभी उसको उनको भनक लग गया कि लीला चल रहा है, उनका ही लीला चल रहा है। तो कृष्णा तुरंत एक्टिव हो गया, जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करके लीला सुनने जाना है, तो कृष्णा खुद का ही लीला सुनने आ रहा है। सोचिए कृष्णा ही सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षति इति कृष्णो, कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण उनका जो बंसुरी बजाता था तो सब पहाड़ गल जाता था वृंदावन में, ऐसा था उनका लीला। कृष्ण जब अपना जो फ्लूट वो जब बजाता था तब यमुना उल्टा फ्लो होने लगता था। जब कृष्ण के प्रति इतना अट्रैक्टेड था सब लोग, सब ब्रजवासी, नॉट ओनली द ब्रजवासी, जो पेड़ है सबको, सब पेड़, सब गाभी, सब ऑल द काउस, एवरीवन इन वृंदावन वाज कंप्लीटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, दे आर सो अट्रैक्टेड, अनलिमिटेडली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो अभी सुभद्रा देवी, सुभद्रा महारानी पहाड़ में गेटकीपर के रूप में तो थी, लेकिन
कृष्ण का लीला सुन रहे थे। तो कृष्ण का लीला सुन के एकदम पूरा स्टंड हो गए सुभद्रा महारानी, पूरा एकदम वो उनका याद ही नहीं है कि कृष्ण बलराम आएगा तो रोकना है। शी फॉरगॉट दैट एक्चुअली, इतना मतलब मच गया, पूरा एकदम डूब गया कृष्ण लीला में। कृष्ण बलराम आ गया, कृष्ण बलराम उपस्थित हो गया और सुभद्रा देवी तो रोका नहीं, स्टैंड होके एकदम पूरा स्टैंड हो गया पूरा। और कृष्ण बलराम भी अपना लीला सुनने लगा। और कृष्ण तो सबको अट्रैक्ट करता है, और कृष्ण कृष्ण अपना लीला के प्रति खुद भी अट्रैक्टेड हो जाता है। द्वारका में एक बार क्या हुआ, द्वारका में कृष्ण अपना छवि देखा, स्फोटिक शिला में अपना रूप देखा और आलिंगन करना चाहिए। कत सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर बालक, अपने ही रूप को आलिंगन। कृष्ण इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज ओन ब्यूटी आल्सो, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर्स। कृष्ण हिमसेल्फ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज ओन ब्यूटी। कृष्ण अपना पास टाइम, अपना लीला, अपना रूप के प्रति खुद ही अट्रैक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया इसी देखने में क्या है उनमें, कृष्ण में क्या है कि सुमती राधा रानी इतना अट्रैक्टेड हो जाता है कृष्ण से, सब लोग गोपी लोग इतना अट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये भी कृष्ण खुद के बारे में जानने के लिए खुद आ गए चैतन्य महाप्रभु का रूप में। तो अभी क्या हुआ, जब कृष्णा बलराम और सुभद्रा महारानी जब सुनने लगी ये पास टाइम अपने खुद का ही, तब दे वर कम्प्लीटली स्टंड एंड दे टर्न्ड इनटू दिस फॉर्म व्हिच वी सी इन जगन्नाथ। और जगन्नाथ मतलब एक्सटेसी में, भाव में जब चला जाता है कोई, हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट, वी शुड नॉट इमिटेट दैट। और वेस्ट बंगाल में, बंगाल में बहुत सारे ऐसे पाला कीर्तन होता है, सब रोता है हरे कृष्णा बोल के, सब रोता है एकदम कीर्तन। दिस आर ऑल यू नो कम्प्लीटली यू नो नॉट जेन्युइन। सो लेकिन भगवान का जो भाव स्तर है वो बहुत हाई लेवल है, महाप्रभु भाव स्तर, महाभाव स्तर में था। अष्ट सात्विक विकार आ जाता है, शरीर में विकार आ जाता है, द बॉडी लिम्स आर चेंज्ड। तो वो बहुत हाई स्टेज है भगवान का प्रेम, वी कैन नॉट इमिटेट दैट, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट एक्चुअली। तो ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी तीनों का वो अष्ट सात्विक विकार में वो फॉर्म हो गया जो हम लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को देखते हैं। तो सुभद्रा महारानी फिर जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि ये जो आपका फॉर्म है, ये आप कलयुग का व्यक्ति के लिए, कलयुग का लोक के लिए ये फॉर्म आप कृपा करके प्रदर्शन कीजिए, ताकि कलयुग का लोग इसको देख के आकर्षित होके और आपके प्रति वो मुक्ति प्राप्त करेगा इस मेटेरियल वर्ल्ड से। तो कृष्णा बोला ठीक है, आपका बात मैं रखूंगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ यहाँ पे जगन्नाथपुरी में इस रूप में है। तो कैसे देखिए, दो प्रकार के भाव है, एक है संभोग और एक है विप्रलम्भोग। जब संभोग मतलब क्या है, जब भक्त और भगवान एक साथ है, टुगेदर है, जब श्रीमती राधारानी और कृष्ण एक साथ है तो संभोग है वो। और विप्रलम्भो मतलब जब कृष्णा चला गया वृंदावन से, द्वारका चला गया, तो विप्रलम्भो सेपरेशन। हाँ, किसी के पास सेपरेशन होता है ना, उसका तब प्रेम बढ़ जाता है, सेपरेशन में प्रेम बढ़ता है एक्चुअली। वो जब आदमी जब पास में रहता है तो उतना प्रेम नहीं रहता है, उतना प्रेम रहता है, और जब जो दूर में चला जाता है प्रेम बढ़ जाता है, विप्रलम्ब भाव है ये। तो ये है, ये कृष्ण के साथ भी है, कृष्ण भक्तों के साथ ही विप्रलम्ब भाव, अष्ट सात्विक विकार, ये फीलिंग किया कृष्णा ने और उनका शरीर ऐसा हो गया, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी जो हम लोग देखते हैं। तो ये जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को दर्शन करता था,
तो उनको श्याम सुंदर रूप में देखता था, एक्चुअल रूप वही है, श्याम सुंदर कृष्ण, जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, कृष्ण है एक्चुअली, तो कृष्ण ही तो ऐसा रूप हो गया, विकार आ गया उनका शरीर में सेपरेशन के कारण, ब्रजवासी के राधा रानी का सेपरेशन के कारण वो फॉर्म आ गया, तो कौन है, कृष्ण है, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर कृष्ण। तो कृष्णा, कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं रूप भगवान का, स्वयं रूप है, नरसिंह देव भगवान का स्वयं रूप नहीं है, अवतार है, रामचंद्र भगवान का स्वयं रूप नहीं है, अवतार है, लेकिन कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु भगवान का स्वयं रूप है। कृष्णा इज अवतारी, चैतन्य महाप्रभु इज अवतारी, चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अवतार, ही इज अवतारी, अवतारी, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस, देयर आर मेनी थाउजेंड्स एंड अनलिमिटेड इनकार्नेशंस आर देयर कृष्णास। तो दुई स्वरूप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, दुई स्वरूप, दोनों स्वरूप में ही जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तो अभी जगन्नाथ जी का जो कैसे प्राकट्य हुआ, जगन्नाथ भगवान का कैसे मंदिर में, भगवान जगन्नाथ का मंदिर में ऐसे कैसे आया भगवान जगन्नाथ जी, वो लीला हम लोग सुनेंगे। तो बहुत साल पहले लाखों साल पहले राजा इंद्रद्युम्न बोल के एक राजा था, जो मालवा का राजा था, तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था राजा इंद्रद्युम्न। तो उसके पहले मैं और एक चीज बताता हूँ कि ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड का सेकेंडरी क्रिएटर है, सभी प्लैनेट्स, सभी स्पीसीज ब्रह्मा जी क्रिएटेड दिस स्पीसीज, प्लैनेट्स, एवरीथिंग, प्लैनेटरी सिस्टम्स, ब्रह्मा जी क्रिएटेड दिस। तो ब्रह्मा जी का जो आयु है 100 साल है, ब्रह्मा जी का 100 साल मतलब 13 ट्रिलियन ईयर्स अकॉर्डिंग टू द अर्थली कैलकुलेशंस, 13 ट्रिलियन ईयर्स, 13 ट्रिलियन, तो बहुत ज़्यादा आयु है ब्रह्मा जी का। अभी ब्रह्मा जी का जो ये 100 साल है, उसका फर्स्ट 50 ईयर्स में, पहला 50 साल में वो भगवान जगन्नाथ नील माधव का रूप में रहता है, नील माधव का रूप में उनका पूजा किया जाता है, और लेटर 50 ईयर्स वो जगन्नाथ भगवान का रूप में उनको पूजा किया जाता है जगन्नाथपुरी का मंदिर में। तो पहला 50 ईयर्स ब्रह्मा जी का नील माधव, वही जगह पे नील माधव वहीं पे था जहाँ पे आज जगन्नाथ मंदिर है, वहीं पे नील माधव था, तो अभी जगन्नाथ भगवान है। तो पहला 50 साल में नील माधव का रूप में था भगवान वहां पे। तो अभी ब्रह्मा का उम्र कितना है, तो करंट ब्रह्मा जी है उसका एज है 51 ईयर्स, 51 प्लस उनका एज है, आधा एज चला गया है, 49 ईयर्स मोर ही इज गोइंग टू लिव, एंड उसके बाद ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा एकदम, महाप्रलय हो जाएगा। तो अभी देखिए, ये जो राजा इंद्रद्युम्न, ये जो मालवा का राजा था, तो वो उनके स्वप्न में नील माधव आया, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था राजा इंद्रद्युम्न, तो स्वप्न में नील माधव आया, तो बहुत खूबसूरत था नील माधव, और देख के भगवान को देख के पूरा आकृष्ट हो गया, एकदम आकर्षित हो गया। तो फिर वो बोला कि कहाँ भगवान रहता है, मेरे को भगवान को साक्षात देखना है, उनके लिए मंदिर बनाना है जहाँ पे भगवान रहता है वहाँ पे नील माधव के लिए। तो ये डिजायर आ गया राजा इंद्रद्युम्न का मन में। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक ब्राह्मण आके राजा को बोला कि ये जो नील माधव का दर्शन आपको हुआ था, वो नील माधव उड़ीसा में नील समंदर का पास
नील कंदर में एक गुफा होता है और जंगल में बहुत घने जंगल में नील कंदर में वहां पे नील माधव जी है। तो राजा वहां पे जाना चाहता था एक्चुअली। तो राजा अगर जाएगा तो राजा के लिए अरेंजमेंट भी जाना पड़ेगा। तो मालवा से एकदम डायरेक्ट पुरी बहुत दूर है, बहुत दूर का रास्ता है। तो राजा का पुजारी बोला कि आप मत जाइए, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो फिर आपके साथ सब कोई चल जाएगा उधर, इतना अरेंजमेंट तो संभव नहीं है ना। तो पुजारी रिक्वेस्ट किया कि आप मत जाइए उधर पे, मेरा एक भाई है विद्यापति बोल के, जो पुजारी बोला उसका एक भाई है विद्यापति, उस विद्यापति को भेजते हैं, वो पहले देख के आएगा फिर आप जाइएगा। तो विद्यापति पहले जाएगा वहाँ पे, देखेगा कहाँ पे है नील माधव, फिर आपको लेके जाएगा, वापस आके लेके जाएगा। तो ये पुजारी का ये ब्रदर था, भाई था विद्यापति। तो विद्यापति चल के गया, घोड़ा में चल के गया जा रहा है विद्यापति, मालवा से उत्कल उड़ीसा के ओर जा रहा है घोड़ा में सवार होके। तो घोड़ा में सवार होके जा रहा है, बहुत सुंदर सीनारी, तो बहुत ऐसे जा रहा है। फिर आया एक जगह, एक आम्र कानन बोल के एक जगह आया। तो एक आम्र कानन वो है मॉडर्न डे में भुवनेश्वर है। तो एक आम्र कानन में एक शिवजी का एक लिंग है, शिवलिंग है बहुत फेमस। तो वो शिवजी का आशीर्वाद लेके नीलाचल में घुसना चाहिए। तो वो एकाम्र कानन में शिवजी का आशीर्वाद लिया और फिर आगे चलने लगा विद्यापति। विद्यापति कौन है? विद्यापति ये राजा इंद्रदुम्न का वही मतलब एजेंट है, पुजारी का वो भाई था, राजा इंद्रदुम्न के लिए वो सेवा कर रहे हैं। तो वो नील माधव कहाँ है उस लोकेट करने जा रहे हैं, दैट इज द जॉब ऑफ विद्यापति। तो कहाँ पे रुका? रास्ते में एकाम्र कानम, दैट इज भुवनेश्वर में रुका, फिर आगे चले। तो अभी बहुत घना जंगल आ गया, बहुत घना जंगल आ गया। एकाम्र कानन से आगे जाने लगे तो बहुत डेंस फॉरेस्ट आ गया, और एक जगह पे आके देख रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है। तब वो जब थोड़ा रेस्ट ले रहा था, तब वो देखा कि कुछ सवर जाति का लोग, मतलब वो ट्राइबल पीपल, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो बहुत चौंक गया, सवर जाति मतलब वो एक्चुअली मतलब और ट्राइबल में सबसे निकृष्ट होता है, लोएस्ट अमंग द ट्राइबल्स आल्सो सवर जाति का लोग, जो सवर जाति का लोग वो कीर्तन कर रहे हैं। तो वो देखा कि जो लोग कीर्तन कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही मतलब मोटा तगड़ा एक व्यक्ति है, उसका नाम है विश्व बसु। तो ये हेड है वो सवर जाति का, जो लोग कीर्तन कर रहा था उन लोगों का हेड है ये विश्व बसु। तो ये विश्व बसु कौन है एक्चुअली? ये विश्व बसु एक्चुअली वही जो जड़ा सबर है, जो कृष्ण का पैर में तीर मारा था, और लीला जो है कृष्ण का पैर जड़ा, वो जड़ा और ये विश्व बसु अभिन्न है, सेम व्यक्ति। जो जरा जो कृष्ण का पैर में तीर मारा, तो कृष्ण फिर एक्सटर्नली देखा जाए तो कृष्ण मर गया, भगवत धाम में चला गया। तो ये जो जरा सबर वो भी सबर था। तो ये विश्व बसु और जरा अभिन्न है। तो विश्व बसु क्या कर रहा था? सब सबर जाति का लोग को लेके वो कीर्तन कर रहा था, वो हेड था। तो ये विद्यापति जाके विश्व बसु से मिला। तो आने बोला कि अच्छा आप लोग कीर्तन कर रहे हैं इधर पे, भगवान का नाम कैसे पॉसिबल है? सबर जाति के सबसे निकृष्ट जाति है आप लोग। तो बोला कि पास में ही नील माधव है, तो हम लोग सब नील माधव के भक्त हैं। बोला अच्छा, नील माधव को लोकेट करने के लिए तो मैं आया।
आप प्लीज मेरे को लेके चाहिए लेके चलिए, नील माधव को दर्शन करना है, मैं राजा इंद्रदुम्न का मैं दूत हूँ, आप मेरे को नील माधव राजा बोला है कि नील माधव के लिए एक मंदिर बनाएगा, तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी लोकेशन दिखाइए। राजा पूरा भूखा बैठा है, सिर्फ पानी और तुलसी जल ले रहा है, मेरे लिए वेट कर रहा है राजा, राजा कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ पानी और तुलसी जल ही ले रहा है, और जल्दी से लेके चलिए, नील माधव को दर्शन कराइए मेरे को, और फिर मैं वापस जाऊंगा राजा इंद्रदुम्न को लाने। तो विद्यापति सॉरी ये विश्व बसु सबर जाति का जो हेड है वो फिर उसको लेके गया घने जंगल में फिर और दूर पे। तो नील माधव तो विद्यापति विश्व बसु के साथ गया, जा रहा है, तो फिर वो नील माधव का जो जगह है वो आ गया। तो विश्व बसु विद्यापति को बोला कि आप थोड़ा बाहर बैठिए, हम भीतर में भगवान का जो मंदिर है उसका भीतर में हम कुछ काम करके आते हैं, हम कुछ पूजा का चीज अरेंजमेंट करके आते हैं, आप बैठिए बाहर में, तब तक आप बाहर में बैठिए। तो विश्व बसु जो सबर राजा था वो अंदर घुसा जहाँ पे नील माधव का मंदिर है, रत्न सिंहासन में नील माधव था। तो विद्यापति बाहर में बैठा है, तो बाहर में एक रोहिणी कुंड था, एक रोहिणी कुंड बोल के कुंड था। तो क्या देखा विद्यापति, क्या देखा, एक कौआ, क्रो कौआ थोड़ा सो गया, थोड़ा उसको नींद आ गया कौआ को, और कौआ गिर गया कहाँ पे, उस रोहिणी कुंड में गिर गया। और जब रोहिणी कुंड में गिर गया इमीडिएटली उसको चतुर्भुज रूप मिल गया, उसको मतलब बैकुंठ का पार्षद बन गया, इमीडिएटली लिबरेटेड हो गया और भगवान का धाम पे चला गया कौआ। तो बैकुंठ धाम में क्या है, विष्णु का चार हाथ है और उसका सब जो पार्षद है उनका भी चार हाथ है, विष्णु जैसा ही रूप है सबका वैकुंठ धाम में, भगवान विष्णु का धाम। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कौस्तुभ मणि, विष्णु के पास कौस्तुभ मणि है, विष्णु का जो माला वैजयंती माला, और ये डिफरेंशिएट करता है। तो ये देखता है वैजयंती माला, देखता है कौस्तुभ मणि है, तो ये विष्णु है, दूसरा विष्णु का पार्षद है, सबका चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म सबका हाथ। तो ऐसे लिबरेटेड हो गया कौआ, क्रो गॉट लिबरेटेड बाय फॉलिंग इन द रोहिणी कुंडा। तो बाहर बैठ के ये देख रहा है, कौन देख रहा है, विद्यापति देख रहा है। तो विद्यापति अभी क्या सोचा, विद्यापति सोचा कि ये कौआ है, ये कौआ रोहिणी कुंड में गिर के लिबरेटेड हो गया, चार हाथ चतुर्भुज रूप में बैकुंठ धाम चला गया, तो हम भी रोहिणी कुंड में डुबकी लगाते हैं। ये कौन सोचने लगा, विद्यापति सोचने लगा। तो विद्यापति उस रोहिणी कुंड में डाइव लगाने ही वाला था, तुरंत आकाशवाणी हुआ, विद्यापति तुम ये क्या कर रहे हो, तुम राजा इंद्रदुम्न का सर्वेंट हो, उनका काम के लिए तुम आए हो इधर, तुम अभी बैक टू गॉडेड तुमको थोड़े जाना है, तुमको बहुत बड़ा कार्य करना है, भगवान के लिए मंदिर बनाएगा राजा इंद्रदुम्न, तुम राजा का सेवक हो, उनका मिशन को मत भूलो। तो विद्यापति समझ गए, तो भीतर से विश्व बसु निकला और विद्यापति को अंदर लेके गया, नील माधव का दर्शन कराया। और नील माधव को रात में, जैसे जगन्नाथ को रात में मीटिंग करने आता है विभीषण इंद्र ये लोग देवता लोग आते हैं, हनुमान जी आते हैं, उसी तरह नील माधव को दर्शन करने के लिए इंद्र आते हैं उस टाइम पे भी, हर एक रात को। तो पारिजात फ्लावर लेके आते, पारिजात फ्लावर का एक माला लेके आते, तो पारिजात फ्लावर का जो माला वो गिफ्ट किया विश्व बसु, इसको गिफ्ट किया, किनको गिफ्ट किया,
विद्यापति को, भगवान का चढ़ाया हुआ माला था वो, पारिजात का माला भगवान को ऑलरेडी ऑफर किया गया था वो, तो फिर उसको गिफ्ट किया कि विद्यापति को गिफ्ट किया कि ये पारिजात का फ्लावर का माला आप राजा को जाके दीजिएगा। तो फिर बहुत खुश हो गया, दर्शन मिला नीलमाधव का, पारिजात भगवान का माला मिल गया, पारिजात का जो इंद्र ने दिया था भगवान विश्व बसु उसको गिफ्ट किया। तो वो पारिजात का माला लेके फिर विद्यापति जल्दी वो कहाँ चल गया, राजा के पास, हाँ मालवा में जो इंद्रदुम्न राजा, क्योंकि राजा भूखा बैठा है, सिर्फ पानी और तुलसी पत्ता ले रहे, जल्दी पहुँचना है राजा को लेके आने। तो राजा ऐसे पहुँच, सॉरी विद्यापति जल्दी पहुँच गया इंद्रदुम्न के पास, वापस पहुँच गया। इंद्रदुम्न जब देखा विद्यापति के हाथ में पारिजात का फ्लावर का माला, तो उनको पूरा नीलमाधव का याद आने लगा एकदम। तो विद्यापति को गले लगाया, विद्यापति सब बताया कि क्या क्या घटना घटा। तब राजा बोला कि देर मत कीजिए, चलिए सब लोग चलते हैं नीलमाधव के पास, पूरा राज्य को लेके नीलमाधव के पास चलने लगा, सबको अनाउंस कर दिया सब लोग चलेंगे नीलमाधव के पास, पूरा राज्यवासी सब लोग एक साथ। तो कितना कृष्ण कॉन्शियस राज्य था सोचिए, आजकल के राजा लोग के नहीं, सब लोग भगवान का नाम रहता है तो उसको भी लेने नहीं देता है, आजकल के राजा लोग के जैसे नाम नहीं था पिछले राजा लोग। तो ये राजा इंद्रदुम्न फिर सबको लेके चलने लगा कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में नीलमाधव के पास, नीलमाधव के लिए मंदिर बनाएंगे। तो राजा चलने लगा, नीलमाधव का दर्शन करेंगे, पहला बात तो ये है। तो राजा चलने लगा चलने लगा, रास्ते में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि देखिए कितना भगवान की शुद्ध भक्ति, नारद मुनि हर एक इम्पोर्टेंट चीज में नारद मुनि रहता है। तो नारद मुनि रास्ता में मीट किया इनको, ये जो राजा इंद्रदुम्न के साथ, एक साथ चलने लगा। तो फिर नारद मुनि राजा इंद्रदुम्न फिर उड़ीसा का बॉर्डर में आ गया, उत्कल, उत्कल राज्य उड़ीसा का बॉर्डर में आ गया। जब उड़ीसा का जो राजा था, वो सोचा कि अच्छा कोई हमला करने वाला है क्या, पूरा एकदम सैन्य लेके आ रहे हैं सब, कोई दूसरा जगह से राजा आ रहा है तो हमला उमला नहीं करेगा ना, वैसे चिंतित हो गया। तो उड़ीसा का वो राजा, उत्कल का राजा फिर अपना जो, वो खुद आया एक्चुअली उड़ीसा का राजा देखने की क्या बात है। जब देखा कि ये युद्ध करने नहीं आ गए, नीलमाधव के पास जा रहे हैं, तो उड़ीसा का राजा, उत्कल का राजा उनसे मीट किया, इंद्रदुम्न महाराज से मीट किया। तो वो मीटिंग हुआ, तो फिर जो उत्कल का जो राजा था वो बताया कि मेरे को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ, आप भगवान का इतने बड़े भक्त हैं, नील माधव को दर्शन करने आप आ रहे हैं, हाँ तो तो एक ये बहुत अच्छा बात है आपसे मीटिंग हो गया, लेकिन एक बुरा खबर है, एक बुरा खबर है। क्या बुरा खबर है? हाँ वो ये है कि नील माधव अप्रकट हो गया। तो एक्चुअली जब विश्व बसु जब ये विद्यापति को नील माधव का दर्शन कराया, तब विश्व बसु बोला था ये विद्यापति को, नील माधव का लास्ट दर्शन, ये यही मतलब आप लास्ट दर्शन कर रहे हैं, अभी इसके बाद नील माधव अप्रकट हो जाएगा। वही ब्रह्मा का 50 साल जब खत्म हो जाता है तब नील माधव अप्रकट हो जाता है, फिर जगन्नाथ का प्राकट्य होता है, जगन्नाथ का आविर्भाव होता है। तो ये लीला हुआ, इस लीला में अंश ग्रहण किया भगवान इंद्रदुम्न महाराज को इंस्ट्रूमेंट बनाया, देखिए कितना बड़ा लीला हुआ। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत दुखी हो गया कि नील माधव का दर्शन नहीं हुआ, नील माधव का दर्शन नहीं हो पाया, बहुत दुखित हो गया। और फिर और मूर्छित हो गया पूरा, मतलब पूरा फेंट हो गया पूरा। तो फिर नारद मुनि फिर कुछ देर बाद उसको समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तीनों काल को मैं देख सकता हूँ, त्रिकाल, हम सब कुछ फ्यूचर को हम देख सकते हैं,
आप मेरे साथ चलिए, सबको लेके चलिए और 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए। आप नील माधव जहां पे था वहां पे जाके आप 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए। 100 अश्वमेध यज्ञ आप करेंगे तो भगवान फिर से आ जाएगा। तो नारद मुनि का बात सुना इंद्रदुम्न महाराज और फिर वो आगे चलने लगा और फाइनली वहां पे जाके पूरा एकदम साम्राज्य बैठा लिया और अश्वमेध यज्ञ करने लगा। 100 अश्वमेध यज्ञ जब वो किया, 100 अश्वमेध यज्ञ जब वो संपन्न किया तो एक एक अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और प्रकृति में बहुत अच्छा ऑस्पिशियस साइन दिखाई दे रहा। 100 बार जब अश्वमेध यज्ञ हो गया तब एकदम एक दिव्य अनुभूति हुआ और भगवान जो प्रकट हुआ, भगवान प्रकट होके बोला कि समंदर में तीन मतलब काठ का टुकड़ा, दारू ब्रह्म, दारू मतलब पीने वाला दारू नहीं, दारू मतलब वुड, काठ, जो बंगाली में काठ बोलते हैं, हिंदी में मतलब क्या वुड, इंग्लिश में जिसको वुड बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा आएगा, तीन लकड़ी का टुकड़ा आएगा समंदर से। ये वाणी हुआ कि समंदर से तीन लकड़ी का टुकड़ा आएगा, उसी से विग्रह बनाना है। तो ये दारू ब्रह्म ये एक्चुअली दिव्य है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल पूरा, ये नॉर्मल मेटेरियल वुड जैसे नहीं है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, ये कोई नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। तो ये दारू ब्रह्म का रूप में भगवान आया तो समंदर से सही में थ्री लॉक्स ऑफ वुड केम इन द सी। तो वहां पे जब तीन समंदर से अभी तीन जो वुड का जो काठ का जो टुकड़ा है वो महाराज इंद्रद्युम्न रिसीव किया, जो दारू ब्रह्म है वो रिसीव किया और एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया। और अभी जो काठ का जो अभी वो काठ तो आ गया, वो लकड़ी तो आ गया, अभी उससे तो विग्रह बनाना है। तो विग्रह बनाने के लिए विश्वकर्मा जी आ गए, विश्वकर्मा उपस्थित हो गया। विश्वकर्मा बोला कि हम विग्रह बनाएंगे लेकिन कुछ शर्त दिया, कुछ कंडीशंस दिया कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं जब विग्रह बना रहा हो कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं बंद दरवाजे के भीतर में एक घर में मैं विग्रह बनाऊंगा और कोई दरवाजा में नॉक नहीं करेगा, दरवाजा खोलने का कोशिश नहीं करेगा, मैं जब कंप्लीट हो जाएगा हम खुद बाहर आ जाएंगे, आप लोगों को चिंता करने का विषय नहीं, आप लोग बस वेट कीजिए, मैं विग्रह बनाऊंगा आप लोग सौंप दूंगा। तो विश्वकर्मा जी विग्रह बनाना चालू किया। तो अभी विग्रह बना रहा है भीतर में विश्वकर्मा जी, तो बाहर से कुछ आवाज नहीं आ रहा, पहले दिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ऐसे कि मतलब लकड़ी को काट के जो विग्रह बनाएगा ना उसका आवाज होना चाहिए, तो कोई आवाज नहीं आ रहा था। और इंद्रदुम्न महाराज कान लगा के थोड़ा सुनता था कि आवाज आता है कि नहीं, कोई आवाज नहीं, तो ठीक है विश्वकर्मा जी बनाने दीजिए, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी बना रहा है एक दिन दो दिन मतलब चलता ही जा रहा है एकदम, 10 दिन 15 दिन होने लगा। अभी क्या हुआ, जो राजा इंद्रदुम्न था वो सोचा कि खाना पीना तो देना है, ये बना रहा है विग्रह बना रहा है, खाना पीना तो कुछ देना है, मूर्तिकार इतने कष्ट करके बना रहा है उसको तो कुछ खाना देना है, मर जाएगा नहीं तो भीतर में मर जाएगा। तो ऐसे सोचने लगा इंद्रदुम्न और उनका वाइफ, ऐसे सोचने लगा
तो ऐसे बहुत दिन बीत गया, तो कुछ आवाज नहीं है, कुछ नहीं, सोचा कि भीतर मर गया होगा। तो अपने क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, लेकिन उस मूर्तिकार के लिए, विश्वकर्मा के, जो विश्वकर्मा का अवतार था, तो उस मूर्तिकार के लिए बहुत सोचने लगा इंद्रद्युम्न राजा। सोचा कि कुछ खाना पीना देना चाहिए, बेचारा मर गया होगा, इसलिए और रोक नहीं पाया अपने आप को, दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा जब खोला तब देखा कि अच्छा, भगवान का तो हाथ नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट, पैर पूरा नहीं बना, हाथ पूरा नहीं बना, कैसा कैसा आँख भी कैसा अजीब सा है, गोल गोल आँख। तो देखिए फिर वो बहुत रोने लगा कि भगवान क्या हो गया, पहले आपका नील माधव का दर्शन नहीं हुआ, अभी इतना कष्ट करके अश्वमेध यज्ञ किया तो अभी विग्रह बनाया, आधा बन गया। बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत रोने लगा। तो भगवान वाणी दिया, भगवान बोला कि चिंता मत कीजिए, यही रूप, सुभद्रा महारानी बोला था, यही रूप कलयुग में सबको दिखाने के लिए, सबको दर्शन देने के लिए, तो यही मेरा रूप है, तो यही असली जगन्नाथ का रूप है, ये कंप्लीट रूप है, आप चिंता मत कीजिए, इसको प्रतिष्ठा कीजिए, हाँ, और मंदिर में आप पूजा कीजिए मेरे को। तो ऐसे भगवान का इसी रूप को देख के कलयुग का लोग दर्शन करने के मात्र से उद्धार हो जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान का आविर्भाव हुआ। और भी डिटेल्स, और भी लीला है, तो हम नेक्स्ट दिन भी, नेक्स्ट संडे ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद जगन्नाथ पास टाइम्स। सो टुनाइट वी हैव a special guest amongst us. So, aap hi log ka Jadavpur University ka instrumentation department se pass out. Hamare priya Sunil Prabhu. Sunil Prabhu, are you able to hear me? Hare Krishna. I'm able to hear you. Hare Krishna. So, can you open your video so that everyone can see? Yes, please, sir. So we welcome Sunil Prabhu. So we would like to hear from you some practical things, how you are, for the benefit of everyone, how you are balancing, what is the importance of balancing devotional life or jo job life hai, koi job kar raha hai, koi student hai. इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा होगा आप कुछ अगर बताएंगे तो। और मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, 3-4 ऑफ देम आर देयर। सो अनदर आईएम से है, इज लेदर टेक्नोलॉजी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सो इट विल बी बेटर इफ यू कैन टेल दिस बैलेंसिंग एक्ट, हाउ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। Oh, Krishna, thank you, Guru. May I know what all year they are in Krishna conscious life and in their engineering life or graduation life? In job life, how you are balancing, or jo aapka jo college ka experience or job life ka aapka 3 saal ka experience se aap bata sakte hai. I just wanted to know, these devotees are like newcomer, how all they are in Krishna conscious life? Yes. So, sab log fixed up hai. Sola mala, bahut log sola mala jap kar rahe hai, bahut log bara mala, 10 mala. Do saal se lagbhag, 2 saal se bhakti kar rahe hai, bahut log 3 saal, 4 saal. Aapka dost bhi hai, Pallav Prabhu bhi hai idhar pe. Okay. तो मतलब आपका जूनियर पल्लव दोस्त ने, जूनियर आपका 1-2 साल जूनियर है, ओके। तो नीलेश भी है, तो वो लोग पास आउट, ऑलमोस्ट पास आउट हो गए। तो आप थोड़ा बताइए आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सबको बेनिफिट होगा। एज मेनी ऑफ देम आर 16 डॉलर्स, सो आई नीड नॉट स्पीक एनीमोर ब्रो।
I'm literally unqualified. Still, I shall share my experience so as far as I have witnessed in my life. Harishna, am I audible? Yes, Prabhu. Yes, you are audible. Thoda sa aur agar sound thoda sa bade to better hai. Okay, yes, bro. Yes, it's okay. Yes, okay. Okay, yeah. So, as far as balancing is concerned, there is no doubt that we have to perform our long-term plan and the short-term plan both. As usually in our normal life also, we do plan to execute short-term plan and long-term plan. Here, long-term plan, I refer to the spiritual sadhana, which is planning for transforming ourselves into our spiritual body and making ourselves eligible for going back to Godhead. So there is no doubt at all that we have to continue our spiritual practices, spiritual sadhana, and our normal material life duties. So both is there, and at this point, I'm just focusing on how to complete my sadhana and how to complete my work life in office. How to complete that job on time and within time, a stipulated time. So what I have applied, that if I chant in the morning, and that to considerable rounds, if I am able to chant that day, then that day I have seen is very fruitful, and the day goes like seamless. Otherwise, it's very. And I have seen it becomes very hectic. I don't know how is it related, but that has been my experience. Whenever I come after chanting some 12 or 14 or 16 rounds, that day goes just like eating rasagulla like. If I don't chant, that day becomes too hectic and it doesn't go very easily. So that is one of my realization. And also I have seen that Moglila Prabhu saying this, that if you have chanted considerable rounds or 16 rounds, then if you are sitting down to write at the day end, then you will see that, oh, this job also got over, this job also got over, this job also is done. And when you don't chant, then means you are just finding out, and it's difficult to list down any job accomplished or any work done. So I don't know how it related, but for a devotee, I mean, in devotee's life, it do matter. Otherwise, the way you do, the way the same way you get. But that has been a realization of chanting and then coming to office. That benefit I have witnessed personally, and also that before this I have heard from my guide, local guide in Kochi. He was telling me when I was weak in sadhana and I was not able to chant, I was not able to complete my rounds, and I was not able to read every day. So those days my local guide, he's very senior and a staunch devotee in Kochi, and a source of inspiration for all of us youth in Kochi. So he was telling me, Prabhuji, if you give preference to your chanting, if you complete your rounds, then Krishna will align entire universe accordingly, that so that you will be able to complete. Only thing, we have to just start. We have to just start in the morning. And previously I was being with the waking up only, I used to chant, because the more days advances, I mean, the more days time passes, and it's 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock,
the more you get calls and messages, so that is of course very disturbing. You can't focus on your sadhana, on Krishna. When you are chanting Krishna, then you are not thinking of Krishna coming to you on your chanting. But if you chant in daytime, like 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, then as the time advances, then you get so many disturbances. So many disturbances. You will get office call, your normal colleagues call or messages. So many things happen. But if you chant in the morning, then there is no one to disturb. Everyone is sleeping, and you are chanting peacefully. So what I do, because it went so difficult for me, so what I would do that with the waking up only, I used to just start chanting. And after completing session on, I used to go to bathroom and I would get dressed and then I would come to office. So all those are techniques as to how to complete your sadhana. And also not just completing, but to improve your chanting, to intensify your chanting. So this technique I used and it worked. It works. And it really increases my efficiency, or anyone who chants his efficiency, surely it increases. And you will be able to, you know, so whatever work you are starting, it just get completed. Otherwise, it becomes very difficult to start job and complete job in normal days. So that one benefit I have witnessed personally in my life, and several months now. So that's one benefit. And so mostly this problem is that Prabhuji, I'm not able to complete my round. Prabhuji, I'm not able to read every day. I'm not able to do this, that, or I'm not able to hear lectures also. There are some techniques, practical techniques. Like I hear every day Prabhupada lecture sequentially from ISKCON Desire Trip. And that I hear in washroom only. It takes some 30 minutes in washroom, and Prabhupada's most of lectures are of 30 minutes. So I complete one lecture. So with the waking up, I chant, and in washroom while getting pressed, I hear one lecture. So chanting and hearing both are completed. And then if you find some time, I also find out some time, at least some 5-10 minutes. I ensure that I read. So that way I do. That is my experience and what I am applying in my life. I'm not going to speak much philosophy. It's a fact that I don't know also much philosophy. But and today when I was hearing Anand Vrindavan Prabhu, and he was telling on how to balance our material and spiritual life both. So he was telling all the, there are people who give more preference to material ambitions and less to spiritual sadhanas. And he has categorized how many types of people are there. The second type is who gives more importance to spiritual sadhana and less importance to material duties or And third is one who is able to balance. So he was telling he had a very big experience almost of 25 or 30 years now. And he has been a very big businessman, crorepati, and also in spiritual our community, in ISKCON community, he is a very big, very big senior devotee. So he was sharing his experience. One who is very enthusiastic in the beginning, and after some time, 2-3 years down the line, you see he's just means no more seen, nowhere in the picture. So that should not happen. We should have very planned and very emphatic and a very practical behavior and practices, activity, everything. So that whatever we are doing, we should continue lifelong.
So that way we have to plan. I have seen some boy, even boys pass out also. They were very enthusiastic and very comfortable enjoying in voice life also. But after all, now they are not seen at all. So that is also not encouraged. It's a fact that whatever time they have spent in Krishna conscious life, that's golden days from a spiritual point of view. But at the same time, we have to be acting like we should continue lifelong. We are saying even two runs, we should not come down to one. If not increasing, then it should at least continue with two runs. That was Anand Vrindavan Prabhu's point. So we have to be practical, and we should not be like a Phuldhari. Phuldhari gives a lot of light and it shines so much that everything is illuminated bright, but just after 10 seconds we see everything is in darkness. So that should not happen. A devotee should be constant and devoted and consistent. And one should have faith in Krishna that Krishna will protect me, and if I give preference to Krishna, then Krishna will give preference to me. So that is my point, Prabhu. I am not going to speak much on this. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Am I audible? Prabhu, yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hello. I hope I could put my words correctly. Thank you for your valuable insights, giving us a practical, giving all of the students practical tips and suggestions how one can balance his constitutional duty and spiritual duty. Sunil Prabhu, I forgot to give little introduction of him. Sunil Prabhu, he got the highest package in 2018. He got the highest package in second campus of Jadavpur University. And still you see how humble devotee is, and how he is balancing everything. He is regularly he is studying books of Prabhupada, and then he is hearing lectures. And whatever sadhana part, very nice way he's continuing. Although it's very challenging in Kochi, he is in HPCL, he resides in Kochi. Situation is very challenging. Job life is not very easy life, not at all. So someone who is trained up in voice, he can sustain in spiritual life. Many challenges are there. He associates with local devotees of Kochi also to get the association in local place. One needs the association of devotees. He understands that, and is that how one should march ahead in spiritual life. So thank you, Sunil Prabhu. So any questions? 5 minutes is there. Any questions you can ask on today's discussion on Jagannath Leela. Ke jano bolchilo Kaushik Prabhu bodhay prashno chilo bodhay tomar Kaushik. Hare Krishna. You're having questions? Hare Krishna. বলছিলাম যে সত্যযুগে যেটা ছিল না, যে নরনারায়ণ ঋষি, তো সেখানে কি মানে চারটা হাত ছিল, চার হাতের এক্সপেরিমেন্ট ছিল? সত্যযুগে ছিল না যে নরনারায়ণ ঋষি, তো সেখানে তো মেনলি তো মেডিটেশনের উপর তো ধ্যান, সেখানেও কি চার হাতে এক্সপেন্ডেড ছিলেন? না না না, নরনারায়ণ ঋষি চার হাতে ছিল না, নরনারায়ণ। তো নর হচ্ছে অর্জুন, নারায়ণ কৃষ্ণ। তো
চার হাতে ছিল না, টু হ্যান্ডেড ফর্মেই ছিল, নর্মাল হিউম্যান ফর্মেই ছিলেন, তারা তপস্যা করছিলেন দুজনে, ফোর হ্যান্ডেড ফর্মে ছিল না। উর্বশী আসে ড্যান্স করে তার সামনে, জানো এটা ঘটনাটা, উর্বশী উর্বশীর কিভাবে উৎপত্তি হলো, বার্থ হলো, মানে ওই স্বর্গে তো না না এই নরনারায়ণ ঋষির সামনেই হ্যাঁ উর্বশীকে পাঠায় ইন্দ্র, না 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 অন্য একটা অপ্সরাকে পাঠায় ইন্দ্র নরনারায়ণ ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করতে। তো নারায়ণ নিজের থাই থেকে উর্বশীকে প্রকট করে, বলে যে তোমরা এসছো আমার তপস্যা ভাঙতে, আমাদের ইন্দ্রকে আরো একটা অপ্সরা দিয়ে দিলাম আমি, উর্বশী সব থেকে বিউটিফুল অপ্সরা উর্বশী, ইন্দ্র অপ্সরা আরেকটা অপ্সরাকে নিয়েছে, ওদের আর কিছু করতে পারল না। এরকম ভাবে উর্বশীর জন্ম হয় নারায়ণের থাই থেকে, নরনারায়ণ ঋষি যখন তপস্যা করছে। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? আমার আছে প্রভু। বলো। হ্যাঁ বলছি, প্রথমে বলি প্রভু, মানে যে জগন্নাথের লীলাটা বলেন, ওখানে তো ওই জায়গাটা ছিল না যেখানে যে বিদ্যাপতির সাথে বিশ্ব বসুর যে মেয়ে ছিল তার বিবাহ হয়? হ্যাঁ ওটা ডিটেইলস আছে, ওটা আমি অতটা ডিটেইলস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা আপনি যেটা বললেন যেটা হচ্ছেন যে এখন যে পুরি যেখানে আছে ওইটাই ছিল নীল মাধব বললেন, মানে ওইখানেই ছিল নীল মাধব? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না কেন বিশ্ব বসুর জায়গাটা ছিল আলাদা, যেখানে মানে ইন্দ্রদুম্ন পাঠিয়েছিল বিদ্যাপতিকে আনার জন্য, তাহলে ওই পুরি ধামটা ওই জায়গাটা কি করে হলো সেটা? নীল মাধব যেখানে, নীলাচল ক্ষেত্র তো সেম না, নীলাচল ক্ষেত্র তখনও ছিল, নীলাচল ক্ষেত্র এখনো আছে, ভগবান নীলাচল ক্ষেত্রে একই জায়গায় থাকে, তখন এরকম মন্দির ছিল না, কিন্তু লোকেশন সেম ছিল না। যখন বিশ্ব বসু সেই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিদ্যাপতিকে নিয়ে যাচ্ছিল যেখানে নীল মাধব ছিল, সেই জায়গাটা তো আলাদা ছিল, কেন সে ইন্দ্রদুম্ন তো বিদ্যাপতিকে নীল মাধবকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলেন, সেইটাই বলছি যে কলিযুগে সেই যেখানে পুরী ধাম আছে সেইটা সেইটা এক কি করে, আমি সেটা একটু কনফিউশন লাগছে আমার সেটাই, মানে ওনাকে তো অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছিল, তো একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সেই নীলম মাধবের নীলকন্দরে মানে যেটা নীল মাধব ছিল, এখন যে পুরী যেখানে আছে সেই জায়গাটা তো ইন্দ্রদুম্ন থাকতেন আর বিদ্যাপতি না 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 ইন্দ্রদুম্ন থাকতো হচ্ছে মালওয়াতে, মালওয়া আলাদা জায়গা, ওটা দূরে পুরী থেকে অনেক দূরে। ও আচ্ছা, মালওয়ার প্রদেশের রাজা ছিল ইন্দ্রদুম্ন, অনেক দূর, মালওয়াটা এখন মধ্যপ্রদেশ মোস্ট প্রবাবলি, শিওর না, মালওয়া মানে মধ্যপ্রদেশ ওই সাইডে, ইন্দ্রদুম্ন অন্য জায়গায় থাকতো। আর প্রভু আরেকটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে যে যখন কৃষ্ণ যখন গোপী বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকায় চলে গেলেন, ঠিক আছে, তো আমরা তো কৃষ্ণের গল্প জানি যে জানছি যে তারপর উনি ওনার মানে দ্বারকায় গেলেন, কিন্তু রাধা রানীর কি হলো সেই জায়গাটা আমরা আমি আমি আমরা জানি না, সেই জায়গাটা একটু বলতে পারবেন? রাধা রানী বিরহ ছিলেন, তারপরে ওনার কৃষ্ণের তো দেহ ত্যাগ হলো, কিন্তু রাধা রানীর কি হলো ওনার 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 কিরকম ভাবে ব্যাক টু গড গেলেন? হ্যাঁ দ্যাট মাস ডিটেইলস আই অলসো ডোন্ট নো, রাধা রানীর বিষয় অনেক হাই লেভেল, শতটা সেই বিষয়ে আমাদের মানে দরকারও নেই, রাধারানী অনলি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভগবানের বিরয়ে, ভগবানের সব থেকে বড় ভক্ত রাধারানী, ওনার যে বিরহ সেটা কেউ ম্যাচ করতে পারবে না। তো যাই হোক কি হয়েছিল তারপর সেটা আমিও ডিটেলস অত জানি না, খুব বেশি প্রয়োজনীয় নেই সেটা।
Any other question? Actually, okay, thank you for actually Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurer Jara Shisho Chilo. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurer Jara Shisho. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Bolechilo Tader Shrimad Bhagavatamer Dashom Skando na porte. Achha. High level seta. Achha, bro. So, amra qualified noi actually Radharani Shomondhe Oto Jana. So, একবার His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj Prabhupada ke question korechil Radharanir bishoye. Besh koyekta question korechil. Diye Prabhupada boleche je diye bollo je what do you know about Srimati Radharani? So, we are not that qualified to know much about Radharani. Amader level e eta proyojonio nei. আমাদেরকে প্রথমে আমরা সাধনা স্তরে রয়েছি সাধনা স্তর থেকে আমাদের আস্তে আস্তে উঠতে হবে ওকে প্রভু থ্যাংক ইউ প্রভু এনি আদার কোশ্চেন সমশ্রী অন্য না প্রভু তেমন কোনো কোশ্চেন নেই আজকে অরিন্দম Hare Krishna. Arindam, shunte pachho? Hare Krishna. Okay. Aur koi prashna, Nilesh Prabhu? Yes, Prabhu. Koi prashna hai? मैं प्रो उनका स्टोरी सुने लास्ट में थोड़ा सा मैं एग्जाम एक्चुअली चल रहा था ब्रो अच्छा अगले दिन एग्जाम 6 के साथ ही था लेकिन वो लेट हो गया तो एक और एग्जाम गड़बड़ हो गया तो फिर से देने में लेट हो गया हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको ठीक है ओके प्रो थैंक यू ऑल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम